जाने क्यों ये एहसास, अब तुम ही तो हो जिंदगी में, हाँ तुम ही तो हो जिंदगी बानी, तुम लिसन टू मी, कम यहाँ। किसने किया ये? वो मुझसे मिलने तक नहीं आए। I lost my kid for the second time, Anna. फिर से नहीं होगा, ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। And that guy didn't even help me financially. क्यों? क्योंकि उसके अकाउंट उसकी बीवी के अकाउंट के साथ लिंक्ड है, तो सब कुछ पता चल जाएगा। पानी, just relax, please. I'm really sorry, Anna. I'm really sorry. मैंने डैड के FD से पैसे निकलवा लिए हैं, जिसमें तुम्हारे पैसे भी थे। तुमने मेरी FD तोड़ दी रोहित। My bank balance is zero. पूरे 50 लाख रुपए निकाल दिए तुमने मेरे अकाउंट से। I'm really sorry. I'm sorry. मुझे लगा कि रोहित नहीं, डैड ने वो उन पैसों को छुआ तक नहीं है। वो डैड ने 2 साल पहले मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी थी। डैड, what the hell? आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डैड, मैंने आपसे कहा था ना कि आप यहाँ पर नहीं आ सकते। विस्की कहाँ रखी? डैड, you're stinking. ये क्या है डैड? पावर ऑटोनी है, आने वाले मेरे जॉइंट FD की, तो मैंने तुम्हारे नाम की है। I trust you to take care of the money. मैं डैड को जज कर रही थी, लेकिन मैंने क्या किया? मैंने डैड से भी ज्यादा बुरा काम किया है। मैंने अपने ही भाई के पैसे निकाले, वो कबीर के पैसे थे ना, लेकिन वो मुझे लगा था कि वो प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दूंगी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। It's okay, I'm sorry. मॉम को मत बताना। मैं बताऊंगी अबॉर्शन के बारे में, लेकिन प्लीज मॉम को मत बताना इसके बारे में। प्लीज तुम अपना ख्याल रखो। यू कांट डू दिस टू योरसेल्फ बानी। कौन है ये? It's him? हाँ, मुझे उससे मिलना पड़ेगा। बानी, just relax, मैं यही हूँ। नहीं नहीं बानी, उससे बात करना बहुत जरूरी है। I have to please listen to me. No, Anna, please, मेरा उससे बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं छुपने नहीं वाली हूँ, ओके? ये बचकानी हरकतें हम दोनों को करने की कोई जरूरत नहीं है बानी। लिसन टू मी, डोंट लेट हिम डोमिनेट यू, ओके? उसे पता चलना चाहिए कि तुम्हारी लाइफ में तुम अकेली नहीं हो। योर फ्रेंड्स नो अबाउट इट। प्लीज, यू नीड टू अंडरस्टैंड, मेरा उससे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे इस हालत, Anna, आई प्रॉमिस, इसके बाद तुम जो बोलोगे, जो कहोगे, मैं बिल्कुल वही करूंगी, लेकिन प्लीज जस्ट लेट मी टॉक टू हिम वंस टुडे। प्लीज 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 प्लीज। ओके ओके, फाइन, आई एम हियर, फाइन, गो। पानी, बेबी, थैंक गॉड तुम हो गए। यू ओके? या मुझे तुमसे बहुत अच्छा बात करनी। प्लीज सुनो, हाँ? सुनो, मुझे लगता है कि महक को हमारे बारे में पता चल गया। पता, अचानक आज सुबह कह रही थी कि उसे ये स्पा वाला प्रोजेक्ट नहीं करना है। अमन, मुझे प्लीज थोड़ी देर के लिए तुमसे बात करनी, तुम आओ, अंदर आओ। मुझे पानी, पानी, बेबी, बेबी, क्या? मुझे पता है तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। तुम नाराज हो ना मुझसे कि मैं हॉस्पिटल नहीं आ पाया, बिल्स क्लियर नहीं कर पाया। बेबी, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट पता है मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं अभी यहाँ पर तुमसे मिलने चला है। बट मुझे भी जाना होगा यार। नहीं, तुम अब नहीं जा सकते अमन, तुम अभी मेरे साथ ही रहोगे। नहीं, यू कांट गो एनीवेयर, प्लीज, यू आर नॉट लीविंग मी। मुझे तुमसे बात करनी है अमन, प्लीज। मेरी बात सुनो। क्या? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई फॉलो कर रहा है। आई एम श्योर महक ने किसी को मेरा पीछा करने के लिए छोड़ा है। मैं तुमसे पक्का कल मिलूंगा, पक्का। नहीं अमन, तुम कहीं नहीं जा सकते। तुम प्लीज यार, प्लीज मुझे फोन मत करना और ना ही कोई मैसेज करना, प्लीज। आई विल कॉल यू।
अमन प्लीज मुझे प्लीज थोड़ा समय तो दे दो अमन. तुमने मेरी एफडी तोड़ दी रोहित. माय बैंक बैलेंस इज जीरो. पूरे 50 लाख रुपए निकाल दिए तुमने मेरे अकाउंट से. ये क्या है डैड? पावर ओवर रनी है मानो और मेरे जॉइंट एफडी की. मैं तुम्हारे फोन पे एक फैंटास्टिक ऐप डाल दूं क्या? ओके, डाल दिया. अब तुम वाइन शॉप जाते जाते अपना रास्ता भटक जाओ ना तो मैं तुम्हें फाइंड कर सकती हूँ. Sheena, I have to show you something. Wow, Reva, poor Nirupa Roy bani Silk Smita, What a transformation, babe. You know, bade se bade plastic surgeons bhi na, actresses ke liye aisi transformation nahi kar sakte. You look fantastic. Who's your teddy, huh? What do you mean, who's my teddy? Shut up, you know who's my teddy. Aur maine tumhe phone na, tumhare ghise pite WhatsApp forward sunne ke liye nahi kiya hai. Tell me how it's looking. I think it's Abhi. Listen, poo. Please play some sexy music, okay? Not some ghisa pita old song. I'll speak to you later. Now you go because my time starts now. Bye. Hi, baby. Hi. तुमने तो कहा था कि तुम बहुत busy हो ना? हाँ मैं यही तो काम था. How was the party? Rocking, fab. Anjali, as usual, drunk thi. And I had to go and drop her. Why you have to go and drop her? उसका बॉयफ्रेंड कहाँ था? अरे ये कौन बैक होली यार. तुम मुझे ड्रॉप करने जाना पड़ा. क्रिसमस पार्टी के बाद भी तुम्ही ने उसको ड्रॉप किया. कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे ही छोड़ देता है? यार का एक वजह है उनको पता है. तुम्हें उसका ड्राइवर बनने की क्या जरूरत है? रियली बू कल बात करें यार प्लीज. मतलब मैं रियली हम अंजलि कब से पीने लगी? हमारे घर पर आई थी तो उसने ड्रिंक्स को छुआ तक नहीं था. यार तुम ना सब कुछ नोट डाउन कर लो अंजलि के लिए. कल सुबह पूछ लेना यार. अभी तुम सो जाओ मुझे नहीं सोना. हो पार्टी काफी रॉकिंग थी हाँ अभी. और तुम पिक्चर्स में तो बिल्कुल टायर्ड नहीं लग रहे हो. शीला भी थी वहां? हाँ ऐसा मैं कहा तो सा. चलो रोहित. एक्चुअली बाय.
क्या हुआ, क्या सोच रही हो तुम? वो सो रही है, उसे मिलने कल आना प्लीज। उसने मेरा फोन नहीं उठाया। What's the problem? What's going on here? क्या चल रहा है? उसे थोड़ा टाइम ऑफ चाहिए था, सो इसलिए मेरे साथ यहाँ। एनीवे मैंने पहले तो मैं आके जो कुछ भी कहा वो सब गलत था। आई वो पैसे बानी ने लिए थे। I don't know, so. Now you know, ना? अब तो पता चल गया तुम्हें। कितना भरोसा करती हो तुम मुझ पर? बिना कुछ जाने मुझे चोर कह दिया। तुम अगर मुझे पहले बता देते कि पावर ऑफ अटॉर्नी तुमने बानी के नाम किया है तो ये सब याद नहीं था मुझे। याद नहीं था, और वैसे भी तुम्हारे सामने अपने आप को जस्टिफाई करने की मैं जरूरत नहीं समझता। प्लीज मुझे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। नहीं, मुझे भी इंटरेस्ट नहीं तुम्हारे साथ झगड़ा करना। हाँ, बस मैं डिवोर्स पेपर्स भेज दूंगी, तुम साइन कर देना। आई विल नॉट साइन। बोला ना मैंने तुमको, मैं कोई डिवोर्स पेपर्स नहीं देने वाला। फाइन, आई विल टेक यू टू कोर्ट। रोहित, तुमसे जो होता है कर लो, जाओ। डैड, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बानी, क्या हुआ तुम्हें? डैड प्लीज, आपसे कोई बात नहीं करनी है, प्लीज यहाँ से। बानी चलो तुम अपने कमरे में चलो। आई आस्क हिम टू लीव। ओके चलो। You need to leave. Hey, you don't bloody tell me what to do, okay? मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं, बानी के लिए आया हूँ। और जब तक वो ठीक नहीं हो जाएगी मैं यहीं रुकूंगा। और ये जो तुम भूसा भर रही हो ना मेरी बेटियों के दिमाग में अपनी थियोरीज वगैरह के साथ, you're screwing with their mind. तो बंद करो ये सब। How predictable. फिर से अपनी गलती का इल्जाम तुमने मुझ पर डाल दी। तुम्हारी बेटी तुमसे बात नहीं करना चाहती, तुम्हें देखना नहीं चाहती है वो, और वो मेरी गलती है। भाषण बंद करो यार अपना। हाँ है तुम्हारी गलती, सब कुछ तुम्हारी गलती है। तुम मेरी जिंदगी में नहीं आई होती तो ये सब नहीं हुआ होता। क्या अच्छी बीवी तो नहीं बन सकी, अच्छी माँ तो बनो। पता नहीं तुम्हारी माँ ने जिंदगी के बारे में, प्यार करने के बारे में तुम्हें क्या सिखाया, बट लुक एट योरसेल्फ यार, पथेटिक। मैं हूं या बानी के साथ, तुम जाओ अपने कबीर के पास। Try and be a good mother. Go. तुमने सही कहा रोहित, बिल्कुल सही कहा। मैं कभी अच्छी मां नहीं बन सकती, कि अच्छी मां बनने के लिए यू नो बहुत जरूरी होता है ट्रस्ट, जो मुझे मेरी फैमिली से नहीं मिला। तुम्हें कुछ नहीं पता रोहित मेरे बारे में, मेरे पास्ट के बारे में। बिफोर आई इवन न्यू कि ट्रस्ट क्या होता है, इट वाज ऑलरेडी ब्रोकन। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ट्रस्ट किया था, ओनली यू। You know what? तुम जीत गए रोहित, मैं हार गई। देखने के लिए, दिखाने के लिए, I'm all strong and independent. मैं अंदर से टूट गई हूँ रोहित। You broke me. You fucked my life. You fucked everything I had, रोहित. I lost everything, darling.
तुम यहाँ क्या कर रही हो? लीव, आई सेड लीव। बानी सो रही है, एटलीस्ट हैव सम रिस्पेक्ट फॉर हर एंड गो। तीन साल तक जिस बात को बार बार बुलाना चाहती थी सो दैट आई डोंट ब्रेक, अपने आप को इतना कोल्ड बना दिया ताकि मैं कभी किसी के सामने, और आज मैं रोहित के सामने, फक, जिसे मैं छुपाना चाहती थी मैं उसी के सामने टूट गई। क्यों? ध्यान से सुन, एक ही बार बोलूंगा, ये तेरा छिछोरापन मैं टॉलरेट करने वाला हूँ नहीं। मेरी जिंदगी में सिर्फ वन नाइट स्टैंड है और तेरे 3 रात हो गए। सो गेट द फक आउट ऑफ योर नाउ। अच्छा मेरी बात सुनो ना, और मैं रिपीट करती रहूंगी, नोबडी टेल्स मी व्हाट टू डू, और मुझे जब कोई कुछ बोलता है ना मैं उसका ऑपोजिट करती हूँ, समझे बेबी? मैं ना तेरा बाप हूँ ना तेरा बॉयफ्रेंड जो तेरी इमेच्योरिटी हैंडल करूँ, समझी? I have a lot of my own shit to handle and you don't fucking figure on the list. So fuck off. Baby, तुम्हारे गाल पूरे लाल हो गए हैं गुस्से में। सुनो, अच्छा सुनो, मैं बहुत सिंपल कर देती हूँ, ठीक है? जैसे डिस्क्लेमर्स होते हैं ना मूवीज के पहले, नो स्मोकिंग, नो एनिमल्स हर्ट वगैरह वगैरह, मैं अपनी लाइफ का एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ। मैं तुम्हारी जिंदगी से तब तक नहीं निकलूंगी जब तक मेरा मन नहीं होगा। So put that in your pipe and smoke it, old man. Bye. अच्छी बीवी तो नहीं बन सकी, अच्छी माँ तो बनो। अनन्या बहुत ही ब्राइट बच्ची है, वो जब छोटी थी तो उसकी माँ उसे यहाँ छोड़कर गई थी। उसके माँ बाप बहुत ही जानी मानी हस्ती है, लेकिन अनन्या जब पैदा हुई तो उसकी माँ की शादी नहीं हुई थी। बाद में उन दोनों ने अलग अलग लोगों से शादी कर ली। उसकी माँ का मानना है कि अनन्या उसकी सबसे बड़ी गलती है। अनन्या बच्चा, तुम्हारी मामा ने तुम्हारी फीस के पैसे भेज दिए, वो चाहते हैं कि तुम बहुत बड़ी स्कूल में पढ़ो, तुम हॉस्टल में जाओगी ना? शी इज अ स्मार्ट चाइल्ड, माँ भी जाने मानी हस्ती है, पर अनन्या को अपनी बेटी मानने से इनकार करती है। पर हर साल उसके स्कूल फीस और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए पैसा जरूर भेजती है। तुम्हारी मम्मा को तुम पे प्राउड है, तुमने पूरे इंडिया में टॉप किया है, ये पैसे भेजे तुम्हारी मम्मा ने। रहने दीजिए पैसे किसी और के लिए जो अपनी माँ की गलती है। रोहित, रोहित ने मुझे अपने जख्म आईने में दिखा दिए और उसकी दवा भी। जो हर्ट, बिट्रेयल, जो ट्रस्ट तुमने मेरा तोड़ा है रोहित, उसकी भरपाई मेरा बेटा नहीं करेगा। आई वोंट बी अ बैड मदर रोहित, क्योंकि आज तक मैंने कबीर को सिर्फ फाइनेंशियली प्रोवाइड किया है। आई वॉज जस्ट अ प्रोवाइडर, नेवर अ मदर। बट आज थैंक्स टू यू रोहित, मैं उसकी माँ बनूंगी। मुझे अपने होने पे यकीन आ गया। और कबीर तो मेरा गिल्ट या मिस्टेक नहीं है, यू आर माई लव, यू डिजर्व द बेस्ट मॉम, और एक ऐसी मॉम जो तुम्हें इमोशनली भी प्रोवाइड करे। आई लव यू कबीर, आई लव यू अ लॉट।
दिल